मैं का सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेनर कैसे पर। देखिए आपको ग्राम पंचायत अधिकारी ने वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जो है क्या प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे थे, मॉक टेस्ट ये चल रहे हैं आपके, 15-15, 20-20 क्वेश्चन के सेट हैं ये जीके जीएस के, ठीक है। आपको रीजनिंग का जो है आप थ्योरी क्लास भी आपको मिलेगा, ठीक है, टॉपिक वाइज मिलेगा, जैसे फिगर काउंटिंग है, क्लॉक है, ये सारे आपके टॉपिक कवर कराए जाएंगे। और आपको जो जीएस का ये पार्ट कराया जा रहा है इसमें आपके 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, 50 नंबर के सेट भी हम आपको 1 जून या 5 जून से प्रोवाइड करने लगेंगे। तब तक आप इस पर आप प्रैक्टिस करिए, करंट अफेयर है, कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या है, रामायण सर्किट के लिए उत्तर प्रदेश में किन स्थलों का विकास किया गया है, बेहद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किन स्थलों का किया गया है, अगर आप थोड़ा भी बुद्धि लगा लेंगे तो सभी का किया गया है, संगवेरपुर, अयोध्या, चित्रकूट, तीनों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था, तो मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था, तो ये आपका हुआ है बलिया में, क्या बलिया में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अभी क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में, आपसे डायरेक्ट डेट पूछी गई थी कि किस डेट को 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी, उसमें कहा था कौन सा इसमें नहीं है। तो देखिए लखनऊ का आपका 30 मई है, 4 जून उसमें दिया हुआ था, वही गलत था। मेरठ तो आपको पता ही है और बैरकपुर आपको पता ही है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत उसमें जो कन्फ्यूज़न आ रहा था वो उसका राइट आंसर ये होगा। सहनाई सम्राट बिस्मिल्ला खां का जन्म किस राज्य में हुआ था, बिस्मिल्ला खां का जन्म किस राज्य में हुआ था, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था, ठीक है। लेकिन उन्हें बनारस की उसमें भी काफ़ी माना जाता है। भारत का पहला मास गार्डन कहाँ विकसित किया जा रहा है, ठीक है, मास गार्डन भारत का पहला कहाँ विकसित किया जा रहा है, खुरपा ताल में, ऑप्शन नंबर ए, बहुत इंपॉर्टेंट और छिपा हुआ क्वेश्चन है ये। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो ये आपका किस राज्य में है बताइए, ये सभी को पता है उत्तर प्रदेश में ही होगा जब गोरखपुर का नाम, गोरखनाथ जी का नाम आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च न्यायालय ने समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना है, तो किस में शामिल माना है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में, ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र अमेजॉन कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, डिजिटल केंद्र, ठीक है, कहाँ किया गया है, सूरत, ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 का किसे दिया गया है, तो ये देखिए आपका दिया गया है प्रकाश पादुकोण को, ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा संस्कृत की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है, तो किसका नहीं किया गया है, गाय का नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर डी, पुनर्जनन। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा फैजपुर, ऑप्शन नंबर सी। काहे की मांग, संविधान सभा की मांग, ठीक है। होनिक्कल जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है, होनिक्कल जो आपका जलप्रपात है किस नदी के तट पर स्थित है बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 122, याद कर लीजिए। सितंबर 2022 में एशियन पाम ऑयल संधि ग्लोबल शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या, डी, आगरा में किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब बनाया गया था, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद बनाया गया था 1975, ऑप्शन नंबर ए। गुप्तकाल की पक्की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। भारत निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकॉन घोषित किया है, किसको घोषित किया है, पंकज त्रिपाठी को किया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपके पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो तीन वीडियो को मिला के एक मॉक टेस्ट आपका पूरा होता है। अगर से ही हम आपको 15-15, 20-20 सेटों का भी मॉक टेस्ट कराएंगे, आगे चल करके पूरा 50 क्वेश्चन का सेट आपको मिलेगा, ठीक है। इसको खूब आपको शेयर करना है, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, कहीं पे भी आप यूज़ करते हो, इसको खूब सारा शेयर करिए ताकि आगे जा करके हम आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाए, और जिसको उसकी नीड है, इस वीडियो की नीड है उसको भी इसको फ़ायदा हो। तब तक के लिए सभी से धन्यवाद।